सब जानते हैं कि कल सोपुर में एक अच्छा इनकाउंटर हुआ है जिसमें एक पुराना टेररिस्ट गनी ख्वाजा है मारे गए हैं। मैं पहले ऑपरेशन के बारे में बता दूं कि सोपुर पुलिस को पता चला था कि तुजर एरिया में गनी ख्वाजा और उसके दो एसोसिएट छिपे हुए हैं। सोपुर पुलिस सीआरपी आर्मी को इन्फॉर्म कर दी और सबसे पहले सोपुर पुलिस गई मौके पर। जो ही कॉर्डर लगाने का प्रयास किया गया, अंदर से फायर आया, इनकाउंटर शुरू हो गया। बाद में आर्मी सीआरपी ज्वाइन कर लिया ऑपरेशन को और इनकाउंटर के दौरान गनी ख्वाजा मारे गए। और वहाँ से हम लोग को जैसा खबर मिला है कि दो टेररिस्ट कॉर्डर लगने के टाइम भाग गए थे। इसका बैकग्राउंड यह है कि 2000 में ये पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग करने के लिए, फिर 2002 में वापस आया और 5 साल तक एक्टिव रहा बारामूल नॉर्थ कश्मीर में। उसके बाद 2007 में पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, ये जेल में रहा, पीएसए भी इसका हुआ, फिर 2008 में रिलीज हो गया। और 2008 से 2018 तक ने दिसंबर 17 तक ये OSW का काम करता रहा, मिलिटेंट के लिए स्लीपर सेल का काम करता रहा और फिर जनवरी 2018 में फिर से ये एक्टिव हो गया। 5 अगस्त 2019 के बाद यह HM छोड़ के अलबदर का चीफ बन गया। और जैसा हम सब जानते हैं कि 2020 से पाकिस्तान के इशारे पर अलबदर को फिर से एक्टिवेट किया गया और बहुत सारे टेररिस्ट रैंक में नए लड़कों को भर्ती किया। साउथ कश्मीर खुद जाके ये सोपियन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अलबदर को एक्टिवेट किया। जितने भी नए लड़के टेररिस्ट मारे गए अलबदर का, इसी के थ्रू रिक्रूट हुआ है। और उसके अलावा दूसरा इसका काम होता था कि जो पाकिस्तान से नया ग्रुप आता था उसको हनवारा कुपवाड़ा एरिया में रिसीव करता था और उसको नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर में फर्दर प्लेस पर लोकेट करते थे। यह पूरी सिक्योरिटी फोर्स दोनों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में, पॉलिसी बनाने में, किस पर अटैक करना है, कहाँ मिलिटेंट को डिप्लेस करना है, कहाँ रिसीव करना है, इनका बहुत अहम इसका रोल था। और मैं सोपुर पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है, बिना किसी कोलेटरल डैमेज का इतना बड़ा कमांडर मारा गया है और एक AK-47 और 5 मैगजीन और काफ़ी सामान मिला है जो अपने आप प्रूव करता है कि कितना बड़ा कमांडर है। उसके अलावा पिछले कुछ दिन से अवंतीपुर पुलिस 2 मॉड्यूल पर काम कर रहा था, जो एक जैश का मॉड्यूल है, जैश मोहम्मद, एक कार बेस्ड व्हीकल बेस्ड आईडी ब्लास्ट करना चाह रहा था पामपुर एरिया में, पामपुर हो चाहे NH पर। उन्होंने एक साहिल नजीर, ये पामपुर का है, BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसको बहुत दिन से टेलीग्राम और जंगी जो एप्स के इसके थ्रू इसको मोटिवेट किया और इसको कहा गया कि तुम एक सेकेंड हैंड कार मैनेज करो, उसको पैसा दिया और नॉर्थ कश्मीर से एक्सप्लोसिव आना था, उसमें डाल करके इस एरिया में व्हीकल बेस्ड आईडी ब्लास्ट करना था। उसके बाद अवंती पुलिस इसको ट्रैक करते रहा, इसको टेक्निकल इंट से मतलब जीरोइंग कर लिए, फिर कॉर्डन लगा के इसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इन्होंने बताया कि इसका एक एसोसिएट है केसर अहमद है, अगेन पामपुर का है और OSW में रहा पिछले 2 साल से, उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने कार का बता दिया। तो एक तीसरा है मोहम्मद यूनुस हयाल वैन का, उसके घर से ये हम लोग कार को रिकवर कर लिए। यही वही कार है जिसमें आईडी ब्लास्ट करना था। कार का मारुति कार है, गाड़ी का नंबर है JK01E0690, ये मारुति कार है। उसके बाद तीसरा इसका एसोसिएट है यासिर अहमद वानी, इसको ही पकड़ा गया। ये चारों आदमी को हम लोग पकड़ लिए हैं। और इसके बाद जो साहिल नजीर जो है BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, इन्होंने पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दिया, कन्फेस किया, उसका हम लोग वीडियोग्राफी करा लिए पूरा। और इससे पूछा गया कि तुम इससे पहले क्या कोई इंसिडेंट किए हो, इन्होंने कन्फेस किया कि 25 जनवरी 2021 को इसी साल पामपुर में जो CRP रहते हैं SSN ग्रिड पर, ग्रिड स्टेशन में, वहाँ पर इन्होंने ग्रेड शो किया था और इसको हम लोग चारों को अरेस्ट कर लिए और फॉर्मली, और तब्तीश शुरू हो गया है।
इसके अलावा इनसे पूछा गया कि आईडी फिर कहाँ सा था, उन्होंने एक ओजलू का नाम दिया, नॉर्थ कश्मीर से है, उसको लेकर आना था। अब चूंकि अरेस्ट हो गया तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग उसके पीछे लगे हैं, फर्दर तफ्तीश करके उसको रिकवर कर लेंगे बहुत जल्दी। इस संबंध में किसी कॉन्टेक्ट में अगर किसी को, हमारे कलीग को जाना, आप लोगों किसी को जाना है फर्दर चाहिए, तो आप एसपी अवंतीपुर से जाके मिल सकते हैं, डिटेल आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि प्रिवेंटिव मेजर जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग के पुलवामा में किए थे, उसी ढंग से ये करने का प्लान था। उसमें तो सिर्फ कार ब्लास्ट करना था, इसमें एक नए लड़के को किस ढंग से मोटिवेट करके सोशल मीडिया के थ्रू, ऐप्स के थ्रू मोटिवेट कर लिया, रेडिकलाइज कर लिया उसको, और उसको तैयार कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग भी खुद उस लड़का से मिल सकते हैं। दूसरा है कि अवंती पुलिस ने एक एलईटी का मॉड्यूल दूसरा बस्ट किया है। उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि उमर खांडे जो पामपोर का है, जो हमारे दोस्त या साथी पुलिस वाले पर अटैक किया था यहीं पर बागत चौक के पास, उसमें एक उमर खांडे है, एलईटी का नया मिलिटेंट है, 2020 में अक्टूबर में ज्वाइन किया था। उसके इशारे पर एक इनका प्लान था कि जो अवंतीपुर में पामपुर एरिया जो है, वहाँ पर एमसी का जो म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो बिल्डिंग है, उसमें इनको फिलाइन करना था या आईडी लगाना था, वहाँ पर दो में से एक काम करना था। फिर उसके बाद हम लोग को मिला जो वहाँ पे एक मुशरफ अहमद गुजरी है, ये नामवर पामपुर का है, इसका नाम आया था। उसके बाद हम लोग कॉर्डन लगा के मुशरफ को पकड़े, मुशरफ को इंटोगेट करने के बाद मुशरफ ने बताया कि हमारे घर में एक कंटेनर है जिसमें 25 केजी का एक्सप्लोसिव है, तो उसके फर्दर इंसाफ पर उनको साथ ले गए हम लोग, और उसके इशारे पर एक कंटेनर रिकवर किया गया उसके घर से, जिसमें 25 केजी अमोनियम पाउडर है, जिसका काम आईडी बनाने में यूज होता है। उससे फर्दर हम लोग पूछे कि सिर्फ अमोनियम पाउडर है, बाकी आइटम कहाँ है। उसका कहना था अगेन कि नॉर्थ कश्मीर से बाकी पार्ट्स आना था, ये पार्ट्स लेके हमको अपने घर में इसको असेंबल करके आईडी ब्लास्ट करना था एमसी बिल्डिंग पामपुर में। उसका दो एसोसिएट था जो उसमें असिस्ट किया था, एक है मुनीब मुश्ताक से पामपुर का है, उसका कोड है जरार, उसको भी अरेस्ट कर लिए हम लोग। एक तीसरा है साहिद अहमद सोफी, इसको भी हम लोग अरेस्ट कर लिए। इस दोनों मॉड्यूल में टोटल 7 नए लड़के अरेस्ट किया गया। ये दोनों मॉड्यूल जो है ये ऑनलाइन थ्रू एप्स के थ्रू मोटिवेट किया गया है, जिसमें एक तो पाकिस्तानी खाली जैसे जैश का है मॉड्यूल, दूसरा जो है ये एलईटी का है, उमर खांडे लोकल टेरिस्ट थ्रू किया गया है। तो मैं अवंती पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत एक्सीलेंट प्रिवेंटिव एक्शन हुआ है, अगर इसको नहीं रोक पाता तो एक बहुत दो हादसा हो सकता था। और हम लोग जे एंड के पुलिस, खास कश्मीर जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसा हम सब जानते हैं, मैंने पहला पीसी में बोला था जनवरी में कि प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, और इंसिडेंट होने के पहले रोकना ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, इसमें हम लगे हैं। मिलिटेंट भी बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कोई कोई वारदात करने के लिए, जैसे कि हम लोगों को कल खबर मिला था कि छालपुरा एरिया में जो एलईटी का कमांडर है, जो पहले एचएम में था, बस शेख सब जानते होंगे, आया हुआ कोई वारदात करने के लिए। हम लोगों ने अपने पुलिस फोर्स को पूरे को सीआरपी पर अलर्ट कर दिए हैं, अगर उसको या तो जिंदा पकड़ा जाए, इनकाउंटर ट्रेस किया जाएगा। तो अपने हम लोग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर दिए पूरा हर जगह। अब किसी फ्रेंड को कुछ पूछना पूछ सकते हैं। मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ, इस टाइप के पेंटिंग को हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। श्रीनगर पुलिस ने तुरंत FIR लॉन्च कर दी, 15 लड़के को जिसका वीडियो आ गया है चेहरा आइडेंटिफाई कर अरेस्ट कर लिए, उसमें एक दर्जन के आसपास को हम PSA बुक करेंगे, और कुछ का भी फेस क्लियर नहीं हो रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लेंगे। टोटल 39 अरेस्ट हो गया उसमें। सर, हम जानते हैं कि कश्मीर खास करके टेररिस्ट का एक रहा है, हर एक साल, दो साल, एक साल में हर एक पैटर्न मोडस ऑपरेंडी चेंज करते रहता है। जैसे पहले फिदायन का था, एक फिदायन बंद हो गया, फिर उसके बाद हुआ कि जैसे लास्ट ईयर हम देखे 19 और 20 में देखे कि नाका पॉइंट पर अटैक करने का, नाका पॉइंट पर उनका छोटा टीम रहती है, नाका पर अटैक करता है। इस साल अभी तक में 2 इंसिडेंट हो चुका है, आईडी का हो चुका है, और एक हम लोग पकड़े हैं, और 2 ये मॉड्यूल पकड़े हैं। तो ये शो करता है कि इसका टारगेट रहेगा कि छोटा छोटा इंसिडेंट आईडी ब्लास्ट का करें, और ये फैक्ट है, ये हम लोगों के लिए कंसर्न है। उसके साथ एक नया डायमेंशन जैसा आप बता रहे हैं कि ऐड हो गया है स्टिकी बम का, जम्मू पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, उसमें करीब 2 दर्जन पकड़ा गया स्टिक बम,
हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि कश्मीर में कुछ आया है, लेकिन हम लोग काफ़ी सर्च के अभी तक मिला नहीं है। और पूरा हम लोग हर एक सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को, हर एक को अलर्ट कर दिए, आर्मी को, उनको फोटो दिखाया गया, एयरपोर्ट पर जाके मैंने पर्सनली दिखाया इसे ऐसे वाले को कि किस टाइप का होता है, इसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट होता है, काफ़ी अलर्ट कर दिए। इसके लिए हम लोग SOP में थोड़ा अमेंड किए हैं, पेपर हमारे कुछ फ्रेंड्स लिखे ऑलरेडी आर्टिकल आ चुका है क्या क्या अमेंड किए हैं, कर चुके हैं हम लोग, और पूरा हम लोग अलर्ट हैं, अपने पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिए हैं। और आवाम से भी हम लोग अपील करेंगे कि ऐसे अगर कहीं आपको लगता है तो पुलिस को आप इत्तला करें, और हम लोग आपका नाम कहीं एक्सपोज नहीं होने देंगे।